19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के नहान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला अस्पताल ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर जिन घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किया जाता है उन सभी घाटों पर लाइट की उचित व्यवस्था, बैरिकेटिंग व एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगाई गई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा लगाई गई बैरिकेटिंग के अंदर ही स्नान करें तथा उसके बाहर ना जाएं, जिससे कि कोई हादसा ना हो। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को सकुशल संपन्न कराया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा में जिन घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किया जाता है उन सभी घाटों पर लाइट की व्यवस्था, बैरिकेटिंग नदी के अंदर ताकि लोग गहराई में न जाने पाए, और इसके अतिरिक्त पानी में हमारे गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ये सब लगाई जा चुकी हैं। और स्नानार्थियों से भी अनुरोध रहेगा कि वो जो नगर निगम के द्वारा बैरिकेटिंग लगाई गई है उसके बाहर ना जाएँ, उसके अंदर ही स्नान करें ताकि गहराई में जाकर किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। और इसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि त्यौहार अच्छे से सफल संपन्न होगा।